नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। खेलों के महाकुंभ यानी कि ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से होने जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी फैंस ओलंपिक को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। भारत को उम्मीद है कि पेरिस में इस बार खिलाड़ी अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसी में बैडमिंटन इवेंट के लिए ड्रॉ का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें ये तय हो गया है कि ग्रुप स्टेज में सभी खिलाड़ियों को किसके खिलाफ अपना पहला मैच खेलने का मौका मिलेगा। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन इवेंट की शुरुआत 27 जुलाई से होने जा रही है। भारत को इस बार अपने स्टार महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु से पदक की उम्मीद होगी, जिन्होंने दो बार अब तक ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया है। पीवी सिंधु को इस बार ग्रुप स्टेज में आसान चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पीवी सिंधु का पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन ड्रॉ में ग्रुप एम में जगह मिली है, जिसमें उनका पहला मुकाबला एस्टोनिया के क्रिस्टिन काउबा से होगा, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 75 है। वहीं इसके बाद दूसरा मैच सिंधु को मालदीव की वर्ल्ड रैंकिंग 111 नंबर खिलाड़ी फातिमात नबाह के खिलाफ खेलना है। ऐसे में पीवी सिंधु का प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है, जहां उन्हें असल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सिंधु के अलावा वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 19वें स्थान पर काबिज तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी को थोड़ा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्रुप सी में इन्हें जगह मिली है। इस ग्रुप में उनका सामना जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी से होगा। पहली बार अपने बैडमिंटन करियर में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय पुरुष खिलाड़ी एचएस प्रणय रॉय को ग्रुप के में रखा गया है, जिसमें उनका सामना वियतनाम के ले डक फॉच से होगा, जिनकी मौजूदा वर्ल्ड रैंकिंग 70 है। तो वहीं इसके अलावा प्रणय को जर्मनी के वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 82 खिलाड़ी फैबियन रोथ के खिलाफ भी मुकाबला खेलना है। वहीं लक्ष्य सेन को ग्रुप एल में जगह मिली है। आपको बता दें कि पिछले ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के अलावा वेट लिफ्टिंग में मीरा बाई चानू ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। विमेंस वेल्टर वेट बॉक्सिंग में लवलीना ब्रॉन्ज मेडल। विमेंस सिंगल्स बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक। मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। मेंस हॉकी टीम ने कांस्य पदक। रेसलिंग में बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना ने मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए महिला वेल्टर वेट वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इसके साथ ही वो ओलंपिक मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई थी। इसके बाद साल 2023 में लवलीना ने महिला मिडिल वेट डिवीन में वर्ल्ड चैंपियन बनकर देश का नाम रोशन किया था। इस बार भी कई खेलों में भारत को मेडल का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इस बीच आइए जानते हैं कि भारत में पेरिस ओलंपिक 2024 को टीवी पर कैसे देख सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का भारत में स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर एसडी और एचडी दोनों चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर होगी। इसके लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो देखिए, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके फटाफट से बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।